चलिए आखिरकार वक्त तो मिला, देर से ही सही सुशासन बाबू की नींद तो खुल गई, फुर्सत मिल गई कि पटना से कुछ किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर पहुंचकर हालातों का जायजा ले। चमकी बुखार से बिहार में अब तक 108 बच्चों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तमाम दौरे के बाद नीतीश कुमार को वक्त मिल गया और पूरे दलबल के साथ मुजफ्फरपुर के अस्पताल पहुंचे। नीतीश कुमार के अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सीएम साहब अस्पताल पहुंचे तो सीएम के सामने मरीजों के रिश्तेदार खुद को रोक न सके। 25 दिनों से जो गुस्से की आग उनके जहन में उबाल मार रही थी उसे व्यक्त भी कर दिया। देखते हैं कि इस तरह से नारेबाजी चल रही है यहाँ पर, लगातार लोग जो है ये के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्यों आप लोग? हम लोगों का मांग है कि डॉक्टर का बहाली किया जाए। जो बच्चा यहाँ बीमार होकर चमकी बुखार से आता है सर, वो मर रहा है, डॉक्टर ही नहीं है सर, डॉक्टर ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। आज जो यहाँ इतनी भीड़ देख रहे हैं आप, नीतीश जी की वजह से भीड़ नहीं देख रहे, तीन दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, इसलिए मरीज यहाँ आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ मरीज नहीं आते। तो ये लोगों की अपनी समस्याएं हैं और लोग ये बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में रहस्यमय कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है कि ये कौन सा वायरस है और उसका जो इसकी दवा बनाने की जो बात है, जो वैक्सीन बनाने की, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो सब ये हर साल ये इस तरह की महामारी फैलती है यहाँ पर, हालांकि इस साल कुछ ज़्यादा है। इसकी वजह हो सकती है कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये इस बार ज़्यादा हुआ है, लेकिन सरकार हर बार जब ये मौका आता है, जब ये इस तरह की घटना होती है तो चेतती है, उसके बाद फिर उसके बाद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यही वजह है कि आज स्थिति भयावह से भयावह होती जा रही है। जब सीएम आए तो विरोध हुआ, जब लौटे तब विरोध हुआ, नारेबाजी की गई, अस्पताल के बाहर स्थानीय लोगों ने नीतीश वापस जाओ के नारे तक लगाए। लोगों में देख सकते हैं किस तरीके का आक्रोश है, कहते हैं कि मुख्यमंत्री आए कोई जनता की बात तक नहीं सुनी और हाथ जोड़ते हुए निकल गए। हमने भी उनसे सवाल करने की कोशिश की, उनसे पूछना चाहा कि आप इतने दिनों के बाद क्यों आए हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए। जाहिर सी बात है सरकार इस समय कटघरे में है, 108 मासूमों की मौत हो चुकी है और शायद किसी के लिए भी जवाब देना अब मुश्किल हो रहा है। मुजफ्फरपुर आने से पहले अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती समारोह में शामिल हुए नीतीश कुमार और फिर जाकर याद आई मासूमों की, लगा कि हाँ जाना चाहिए, तो पहुंच गए शायद फॉर्मेलिटी निभाए। बच्चों की हो रही मौत के बीच अब सवाल मुआवजे को लेकर भी उठने लगे हैं। अपने चिराग को खोने वाले अब मदद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतने सारे मौत होने के बाद अभी कुछ ही दिन पहले, यानी 2-3 दिन पहले ही राज्य सरकार ने फैसला लिया कि जो बच्चे मारे गए हैं, जिन बच्चों की मौत हुई है इस बीमारी से, उनके परिवार वालों को राज्य सरकार 4 लाख रुपए मुआवजा देगी, मगर ऐसा होता भी नहीं दिख रहा है। शालू कुमारी, एक 8 साल की बच्ची जिसकी मौत हो गई थी, अब तक उसके परिवार वाले मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं, अस्पताल आ रहे हैं और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर आए हुए हैं, अस्पताल के अंदर दौरा कर रहे हैं, तो ये परिवार मिलने आया हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, फरियाद लेके आया हुआ है कि जो 4 लाख रुपए का अनुदान कह सकते हैं या फिर कॉम्पनसेशन कह सकते हैं, जो मुआवजे की बात कही थी, वो अब तक उन्हें क्यों नहीं मिला है। क्या नाम है आपका जी? रूपलाल पासवान। रूपलाल जी, ये हम तस्वीरें देख रहे हैं अखबारों में भी है, जो आप अपनी बेटी के लाश को उठा के ले जा रहे हैं, क्या हुआ था इसको, कब मौत हुई? ये सालू कुमारी के चमकी बुखार आ गया था सर, 10 तारीख को इसी हॉस्पिटल में भर्ती किए, भर्ती होने के बाद 2 घंटा 2.5 घंटा इलाज चला, इसके बाद वो एक्सपायर कर गई। एक्सपायर करने के बाद हमको कोई कागज साबूत नहीं मिला, इस मेडिकल से एम्बुलेंस पर लोग बैठा उठा दिए, हमको घर पहुंचा दिए। हम लोग सोचे जो क्या कुछ मिलेगा, लेकिन जब सरकार की घोषणा सुने हैं तो हम कागज़ पत्र के लिए आए हैं, तब यहाँ कहते हैं जो कोई कागज़ पत्र आपका नहीं है।
मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही मौतों के बाद राबड़ी देवी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है और लिखा है कि चमकी बुखार के नाम पर बच्चों की हत्या हुई है। साथ ही सवाल उठाए कि क्या मुख्यमंत्री की जवाबदेही नहीं। वहीं बच्चों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने भी केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है।